अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास न्यूमेरिकल है वो 7.6 है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द हेड ऑफ ए पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। एक पिन है वो किस शेप की है, वो स्क्वायर की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह मेरे पास एक पिन है, उसकी वो शेप बता रहा है कि वो क्या, मेरे पास वो स्क्वायर शेप के अंदर है। इसकी वो एक साइड वो कह रहा है कि वो कितनी है, 10 मिलीमीटर। कितनी है वो, 10 मिलीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑन इट टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें प्रेशर फाइंड करना है जब हम इसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, ठीक है। इसको करने से पहले आप देखते हैं हमारे पास 20 न्यूटन और न्यूटन का हमें पता है कि डिजिटल एलिमेंट करेंगे तो होता है किलोग्राम, जो होता है वो मीटर स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसको, जब इसको देखेंगे कन्वर्ट करके देखेंगे इसको, हम इसको पहले मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो है वो फोर्स है 20 न्यूटन और उसकी जो साइड है स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ जो है वो हमारे पास कितनी है, 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको, मैं थोड़ा सा आपको इस स्टेप देख लेते हैं। 10 मिलीमीटर है तो हमारे पास मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा लास्ट को लगे 10 डिवाइड बाय 10 से करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब इसको आगे हम मजीद हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 100। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻², ठीक है। जब हम इसके एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे वो हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो इसको हम 1 × 10⁻², और 1 × 10⁻²। और पता है कि मल्टीप्लीकेशन में हो तो हमारे पास ये रूल होता है, जब बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमारे पास उसकी पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, 10⁻²⁴ मीटर स्क्वायर, ये मीटर में आ जाएगा। तो अब हम सिंपल इसकी जो है वैल्यूज को हम पुट करेंगे, P = F/A और F की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास 20 न्यूटन है और जो एरिया है वो हमारे पास है 1 × 10⁻⁴। तो 20 ÷ 1 × 10⁻⁴ ऊपर जाके जो आ जाएगी +4, 20 है तो इसकी जब उसके साथ इसकी पावर ऐड होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 × 10⁻⁴ + 1 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको जब हम करेंगे तो 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि बेटा आपको इसके भी अच्छे तरीके समझ आई होगी। किसी भी किसी को क्वेरी हो तो आप उसको मुझे डिस्कस कर सकते हैं।